कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमीरपुर व्यापार मंडल ने जागरूकता अभियान छेड़कर लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। इसी कड़ी में व्यापार मंडल हमीरपुर ने जन जागरण कार्यक्रम के तहत हर दुकान पर कोरोना बचाव ही उपचार स्टिकर चिपकाया जा रहा है ताकि कोरोना बीमारी से बचा जा सके। इस अवसर पर व्यापार मंडल हमीरपुर अध्यक्ष अनिल सोनी की अगुवाई में सदस्यों ने पूरे बाजार में कोरोना बचाव ही उपचार के स्टिकर चिपकाकर और लोगों से भी कोरोना बीमारी से बचाव करने के लिए आह्वान किया। साथ ही स्वदेशी जागरण मंच के सदस्यों ने चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर भी व्यापार मंडल के साथ रैली निकाली। व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष अनिल सोनी ने कहा कि कोरोना बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसी के चलते व्यापार मंडल ने हर दुकान में कोरोना बचाव ही उपचार स्टिकर चिपकाए हैं ताकि बीमारी के प्रति लोग जागरूक रहें। उन्होंने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच के साथ व्यापार मंडल ने चीनी सामान के बहिष्कार के लिए भी लोगों से अपील की है। एक व्यापार मंडल से ये जन जागरण का एक कार्यक्रम हमने अपने पूरे बाजार में इसमें एक और कड़ी हमने जोड़ी है, जिसमें हम हर दुकान पे ये हम स्टिकर लगा रहे हैं, जिसमें ये कोरोना से फाइट करने के हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम हर दुकान पे इस स्टिकर को लगाने की कोशिश करेंगे कि सारी दुकानों पे ये स्टिकर हमारा पहुँचे। और इसका हमने शुरुआत अपने वरिष्ठ व्यापारी और पुराने हमारे नेशनल हॉकी प्लेयर सुभाष जी से इनका हमने इनसे शुरुआत करी है और हम ये चाहते हैं कि ये हर वर्ग तक ये हमारी बात पहुंचे कि एक जो व्यवसायी है वो कोरोना योद्धा है और व्यवसायी के पास शाम तक इतने लोग हमारी दुकानों पे आते हैं जाते हैं, तो हमारी तरफ से ये एक ऐसा मैसेज आना चाहिए, पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए कि हर लोग हर आदमी जो है वो अपनी प्रोटेक्शन जो भी हमें सरकार से निर्देश मिलते हैं उनके अनुसार अपनी प्रोटेक्शन वो खुद करना सुनिश्चित करें। तो इस तरीके से हम एक हमारी एक ये कोशिश है कि हर आदमी इसमें अपनी अपनी स्वस्थता को अपने सुनिश्चित करें। जागरण मंच का भी एक कार्यक्रम हमारा अभी था जिसमें हमने चीनी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको बायकॉट करने का एक हमने आज संकल्प लिया है और हमने कोशिश की है, आह्वान किया है अपने व्यापारी भाइयों से भी और अपने जितने भी हमारे बाशिंदे हैं हमीरपुर के बाकी सारी जगह के कि कोशिश करें कि स्वदेशी जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें, उनको परचेज करें और विदेशी का बहिष्कार करें। व्यापार मंडल के सदस्य पंकज भारती ने कहा कि व्यापार मंडल के द्वारा कोरोना बीमारी से बचाव के लिए अभियान शुरू किया है ताकि लोग सजग रहें। उन्होंने बताया कि व्यापार मंडल के द्वारा चाइना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चीनी सामान के बहिष्कार के लिए भी लोगों से आह्वान किया गया है। मंडल द्वारा आज एक विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, इसमें जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है और उसके लिए ये पोस्टर विशेष तौर पे जो है पैम्फलेट हमने यहाँ पे प्रकाशित किया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष मेरे साथ हैं, इसमें हमने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि बिना मास्क जो है वो दुकान में प्रवेश जो है वो निषेध किया गया है और दुकानों के बीच में भी दो जो कस्टमर्स आएंगे वो 2 गज की दूरी का हमने कंसेप्ट दिया है। इसके अतिरिक्त जो तीसरी बात है, पुरातन संस्कृति की तरफ लौटते हुए हेलो हाय से नाता तोड़िए और नमस्ते से नाता जोड़िए, ये भी एक चीज़ इसमें ऐड की गई है। और जो दूसरा अभियान इसमें छेड़ा गया है, जो हम सबको विदित है कि किस प्रकार चाइना हमारे सीमांत क्षेत्रों में उत्पात मचाए हुए है और हमारे 20 नौजवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी है, तो चाइना के प्रोडक्ट्स के बायकॉट के ऊपर जो है वो अभियान छेड़ा गया है और उस अभियान को लेकर व्यापार मंडल हमीरपुर ने पूर्ण समर्थन दिया है और व्यापार मंडल का ये मानना है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा सबसे पहले है और इसी के निमित्त जो चाइना के प्रोडक्ट हैं वो आगे से हमीरपुर नगर के व्यापारी उनका बहिष्कार करेंगे। वहीं दुकानदारों ने भी व्यापार मंडल के इस मुहिम की सराहना की और कहा कि चीनी सामान के बहिष्कार के लिए दुकानदार अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। जो आज का प्रोग्राम रखा गया व्यापार मंडल के द्वारा रखा गया, एक नया अभियान शुरू किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और उनका पूरा सहयोग देंगे और जो बाहर की चीज़ें चीन की जो चीज़ें हैं उनको बायकॉट कर रहे हैं कि कोई भी बाहर से जो चाइना से चीज़ बन के आएगी हम उसका बहिष्कार करेंगे और उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हमारा जो है यही प्रयास रहेगा कि हम सबको कोऑपरेट करके ही आगे काम करेंगे।